अस्सलाम वालेकुम, सामान शाही व्लाग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। सामान शाही आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज का व्लाग करते हैं शुरू। उम्मीद आप सब लोग हैरियस होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे से दिखा रहे होंगे और बारिश फिर से आ गई है और लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और गुजरात में आज फिर बारिश है। आज हफ्ता है, सैटरडे का दिन है, सैटरडे का दिन है और अभी मुदीब जो है वो मुझे लेने आया हुआ है। अभी मैं आपको जो है वो गुजरात का जो जीटीएस अड्डा है, जो बस अड्डा है, उसका विजिट कराऊँगा। ये अपोजिट साइड पर, इस साइड पर जो है वो ये गुजरात का मेन अड्डा है, इस साइड पर नवाज शरीफ पार्क है। और आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अड्डा किस तरह का है। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी लेकिन अभी हम जो है वो दोबारा फिर से अपलोड करने जा रहे हैं। अभी बारिश है और बारिश में जो है वो आप देख सकते हैं हालात काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी नहीं, बारिश हुई हुई है। तो आज हम कल मैं जो है इंशाल्लाह गुजरात का जो है वो दूसरी भी वीडियो अपलोड करूँगा जो गुजरात मतलब बारिश के बाद के हालात होते हैं। उम्मीद है आपका वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अभी पाप आ गई आवाज़ें यहाँ पे आ रही है तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं गुजरात के मेन लारी अड्डे में। तो ये बस अड्डा है, बस स्टैंड भी इसको कहते हैं, जीटीएस जो गुजरात का मेन अड्डा है जीटीएस चौक के पास और नवाशी पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मौजूद है। ये सामने फ्रंट पे जो है वो मस्जिद भी है और वहाँ से ही एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद जो है वो आपको मुख्तलिफ बसेस दिखाई देती हैं, उसके अलावा ट्योटे वगैरह हैं, एसी कोस्टर्स हैं, उसके अलावा जो भी यहाँ से गुजरात से बसेस जाती हैं या जो भी गुजरात के एरिया में वापस आती हैं वो इसी अड्डा से होकर जाती हैं। तो ये गुजरात का मेन अड्डा है। मैं अभी आपको पूरा अड्डा दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे हर शहर की बसेस जो हैं वो जाती हैं। तो दोस्तों जो कि आज बारिश है और सैटरडे का दिन है, आप देख सकते हैं सैटरडे के दिन बारिश गुजरात में हो रही है और बारिश की वजह से जहाँ पे कीचड़ वगैरह भी है और पानी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा खड़ा हो चुका हुआ है। बसें भी आप देख सकते हैं कुछ जो हैं वो साफ़ सुथरी नहीं है, कुछ गंदी हैं, कुछ साफ़ हैं, जो बाहर से आती हैं जाहिर सी बात है गंदी होंगी ना। तो इस लिहाज से अगर आप देख सकते हैं तो अड्डे में भी अभी जो है वो कीचड़ वगैरह का सीन है क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पे कीचड़ वगैरह या इस तरह के हालात हो जाते हैं अगर आप मदम मदम बारिश होती है, और सर्दी में भी बेपनाह इजाफा हो जाता है। तो अभी सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बसेज लगी भी हैं, बसेज जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, उसके अलावा ट्योटे हैं, एसी कोस्टर्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं जो गुजरात के से लेकर हर एरिया में जाती हैं, यानी गुजरात से मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती हैं। तो दोस्तों बाकी शहरों के लारी अड्डे की तरह गुजरात का लारी अड्डा भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ से भी हर शहर में बसेज जाती हैं, टोटा जाते हैं, उसके अलावा एसी कोस्टर्स वगैरह यहाँ से जाते हैं।
उसके अलावा जो डाइवो है या अलसियर ट्रैवल, उनका अलहदा प्लेटफार्म है, वो अलहदा से लोकेशन से जाती हैं, लेकिन बाकी जो बसेस हैं वो इसी एरिया से यानी इसी अड्डा से ही जाते हैं। ये गुजरात का मेन लारी अड्डा है और पिछले 3-4 साल से इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया है। बाहर से मैंने आपको दिखाया, बाहर से जो है वो नया रिनोवेट किया गया है, नई दीवार बनाई गई है, नए गेट्स लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो सके। तो यहाँ से तकरीबन हर शहर में जो है वो बसेज जाती हैं। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफार्म कुछ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी आके जो है वो किराया वगैरह दे के यहाँ से जा सकते हैं। एक और बात कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत कम हैं, किराया बहुत कम है बनिस्बत अगर आप कोई भी बड़ी सर्विस का इंतखाब करते हैं या कोई भी ब्रांडेड सर्विस का इंतखाब करते हैं, तो यहाँ पर किराए जो हैं वो उस हिसाब से कम हैं। तो दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पे बड़ी बसेज और एसी कोस्टर्स वगैरह और एसी कोचेज लगती हैं। और यह आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन भी है कि अगर आपने गुजरात से मुख्तलिफ शहरों में जाना है, जैसे लाहौर है, सादकाबाद है, सियालकोट है, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, उनके जो है वो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो किराया दे के बैठ सकते हैं। तो इस तरह जो है ये प्रोसेस चलता रहता है और गामजन रहता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी और गुजरात का लारी अड्डा आपने देख लिया होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि और किस तरह की और गुजरात का कौन सा एरिया हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।